हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि उनका पजल सीटिंग अरेंजमेंट में स्पीड नहीं आ रहा, एक्यूरेसी नहीं बन रहा। तो आज मैं उसका रीज़न बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, आपका स्पीड क्यों नहीं बढ़ रहा और कैसे आप अपनी स्पीड को कम टाइम में इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि सिर्फ बोलते हैं कि स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, लेकिन उस पे काम जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। आपको अगर स्पीड सच में बढ़ाना है तो उसमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क का कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे कि जो कभी ना कभी एक बार पबजी जरूर खेले होंगे। तो पबजी खेले होंगे तो आप देखे होंगे, जब आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपको फर्स्ट टाइम में आप उसके रूल्स के साथ, उसके जो कंट्रोल्स होते हैं उसके साथ आप फैमिलियर होते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, कौन सा टैप करना है, कहाँ से हम लोगों को शूट करना है, कहाँ से रन करना है, कहाँ से जंप करना है। तो आप उसके फंक्शन से फैमिलियर होते हैं। फिर आप वही जाकर आप 1 महीना 2 महीना लगातार खेलते हैं तो आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिक काम करता है। कहाँ लेफ्ट जाना, कहाँ राइट जाना, कहाँ शूट करना, आप लोगों का हाथ खुद ऑटोमेटिक काम करेगा। आप किसी जो भी 2-3 महीना से पबजी खेल रहे हैं उनसे जाकर आप उनका कभी देखिएगा, जब वो खेलते हैं आपका उनका हाथ खुद इधर उधर खुद भागने लगता है। तो मतलब 2-3 महीना से वो पूरा उस गेम से फैमिलियर हो चुके हैं, उस चीज़ का हैबिट हो चुका है। तो यही काम आप लोगों को पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में करना है। आपको पहले इतना क्वेश्चन कर लेना है कि क्वेश्चन के साथ फैमिलियर हो जाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से टाइप है। जब आप फैमिलियर हो जाएंगे, जब आप 100 से 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका फिर हाथ खुद भागने लगेगा इधर उधर। कौन सा आप लोगों को पता चल जाएगा, जैसे सर्कल बेस्ड होते हैं, रो बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, सब आप लोगों को तुरंत समझ में आने लगेगा। तो जो भी पहले आप लोगों को पॉइंट बता दे रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी टाइप वाइज होते हैं आप हमेशा टाइप वाइज फॉलो करें। जैसे कि आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट में रो हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, आप हमेशा इसे टॉपिक वाइज पढ़ें। और जैसे दूसरे नंबर में पजल्स में बॉक्स, फ्लैट, मंथ, डे, ईयर, रैंकिंग और भी जितने टाइप्स के होते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि टॉपिक वाइज पढ़ना है। और सबसे पहली बात, अगर आप शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 10 मिनट लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप 10 मिनट वहाँ दीजिए। लेकिन आप लोगों को 10 मिनट दे रहे हैं ना, तो इसमें आप लोगों का एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 मिनट दे दिए और क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है आप 10 मिनट टाइम दे रहे हैं तो आपका 100% यहाँ पर एक्यूरेसी होना चाहिए। और ये कब 100% एक्यूरेसी आप लोगों का जो 10 मिनट टाइम ले रहा है कब 2 से 3 मिनट में बदल जाएगा, आप लोगों को खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए आपको बस गलती यही करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो पहले स्पीड पे ध्यान देते हैं एक्यूरेसी को छोड़ के। यहाँ गलती करते हैं, आपको पहले स्पीड पे ध्यान नहीं देना, आपको पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी, उस पर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन, प्रैक्टिस, फिर जाके ये स्पीड ऑटोमेटिक आता है। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पहला दिन में मुझे 10 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में, अगर आप 1 महीना बात करते हैं, अगर रेगुलर 1 महीना रहते हैं, तो यही क्वेश्चन कब आप 2 से 3 मिनट में उड़ा दीजिएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो मेन मकसद यही है, आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। अगर आप शुरुआती तौर पे हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 तो डेली पजल सीटिंग अरेंजमेंट करना है। अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो कम से कम 5 तो आपको करना ही करना है, एनी हाउ करना है। आप लोगों को मैं कुछ बुक्स में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे पढ़ना है। ये अड्डा का बुक है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि काफी अच्छा बुक है। इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट है, अब जैसे सर्कल में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते, कि जो सारे लोग अंदर देख रहे हैं, सारे लोग अंदर के तरफ, या सारे लोग बाहर के तरफ, या कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर, डबल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, इतने टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे टाइप्स के आपको क्वेश्चन को कवर करना और सारे टाइप्स के कम से कम 20-20 क्वेश्चन बनाना है। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट है इनका, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल का, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स लेवल, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल, प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर मेंस लेवल, प्रैक्टिस एमसीक्यू बेस्ड ऑन द चेंज पैटर्न, सारे टाइप्स के इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। आने वाले टाइम में मैं अपने चैनल पे भी कराने वाला हूँ, किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा और चैनल में बने रहिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। क्योंकि 2022 में बहुत सारा एग्जाम है और आपका प्री और मेंस दोनों कवर कराऊंगा। और देख सकते हैं लास्ट में आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसका फ्री PDF बुक जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डेली बेसिस पे मैं इसका पजल्स कराने वाला भी हूँ, तो चैनल में बने जरूर रहिएगा। इसका बुक का रिव्यू मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ आने वाले वीडियो में, तो उस बुक को रिव्यू जरूर देखिएगा। अभी मैं बस ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि आपको किस किस टाइप से करना है, स्पीड कैसे लाना है, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है। आपको सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आप अपना बेसिक क्लियर करिए, आप 1 महीना इसमें वर्क करिए और 1 महीना बाद आप स्पीड पे वर्क करिए, तो ऑटोमेटिक आपका
स्पीड आएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।